नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको राजगढ़ जिले का एक ऐसा विद्यालय दिखाने जा रहे हैं जहां पर कि आपने बाल मेले तो बहुत देखे होंगे, परंतु उस विद्यालय में बाल मेला जो लगा है वो वाकई में देखने काबिल है, तारीफ काबिल है। आप यकीन मानिए, राजगढ़ जिले का ऐसा कौन सा विद्यालय है जो कि नरसिंहगढ़ विकास खंड में आता है और नगर परिषद बोड़ा के अंतर्गत लगता है। नगर परिषद बोड़ा से मात्र 2 किलोमीटर दूर विद्यालय है। आप देखिए उस विद्यालय में किस तरीके से बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं राजगढ़ जिले का साई एजुकेशन एकेडमी, जहां पर बाल मेला का पूरा वास्तविक मेला चल रहा है। नमस्कार सुनील जी, स्वागत है आपका रमाकांत शर्मा RKS यूट्यूब चैनल में। आज आपके विद्यालय में हमने देखा साई एजुकेशन एकेडमी बोड़ा रोड पे, काफी अच्छा लगा। बाल मेला का आयोजन आपने रखा है, बच्चों के प्रति ये झूले लगाए हैं आप सारे, इन सभी झूलों का नाम बताएं दर्शकों को हमारे, और इसके प्रति आपके मन में क्या भावना आई जो आपने इतना खर्चा किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, और क्या इस आयोजन करने के पहले क्या इन बच्चों से चंदा उगाया था क्या आपने, इस सभी जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताएंगे आप जरा। देखिए, बाल मेला प्रत्येक स्कूल में मनाया जाता है, बाल मेला लगाया जाता है, लेकिन चूँकि हम कुछ कार्यक्रम एक स्पेशल करने के मूड में हमेशा रहते हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं। अभी जैसे ये बाल मेला हमने लगाया, यहाँ पर हमने 7 झूले बुलाए जिसमें 3 जंपिंग हाउस है, जिसमें कार वाला जो राउंड सर्किल वाला झूला है, उसके बाद 6 पालकी का एक झूला है, 4 पालकी का एक झूला है, एक मिक्की माउस है। ये सारे झूले हमने, कोई कोटा से आया है, कोई झालावाड़ से आया है, कोई नीमच से आया है, कोई उज्जैन से आया है, अलग अलग एक तलेन से एक झूला आया जो मेला लगा था वहाँ से बुलवाया, अलग अलग जगह से हमने इसलिए बुलवाया कि क्योंकि जो ये मेला है, इस मेले में बच्चे ये समझें। अभी मैंने उधर बताया, हमने स्टॉल लगाए उधर, 17 स्टॉल हमने बच्चों के लगाए और 17 स्टॉलों पे हमने अलग अलग आइटम के सारे स्टॉल लगाए और बच्चों को ये बताया, क्योंकि हमको यहाँ से व्यक्तित्व विकास निखारना है। बच्चों को हम एजुकेशन के साथ साथ एक चीज़ और देना चाह रहे हैं कि भगवान ना करे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति कभी आ जाए कि हमको विषम परिस्थिति में परिवार का लालन पालन कैसे करना है, तो इस बाल मेले के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 4 रुपए का समोसा यहाँ लाकर आप 5 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए की कीमत है। यहाँ से आप पैसा कमाना, पैसे बचाने की जो कला है वो हम सिखाना चाहते हैं। बाल मेला कोई एंजॉय के लिए नहीं आया, खाया खर्च कर दिया इसलिए नहीं है। हमने बच्चों को ये झूले जो है यहाँ पर हमने ठेके पे दिए कि आप ये 400 रुपए में झूला आप पूरे दिन के ले लो, इससे 2000 रुपए कमाओ आप। बच्चा 400 रुपए में झूला लेके 2000 कमाएगा तो 1600 रुपये जो उसको बचेगा ना, तब उसको लगेगा पैसे की कीमत क्या है, और पैसे की कीमत जब समझ में आएगी तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम शिक्षा के साथ साथ उनको जीवन में कुछ नया करने का एक नई व्यवस्था सिखा रहे हैं। इसलिए हमने भारतीय झूले बुलाए, इसलिए हमने स्टॉल लगाए, इसलिए हम सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं कि कुछ अलग हटके करें और कुछ अच्छा सिखा कर जाएं, इसलिए हमने सारी व्यवस्थाएं अरेंज की। ये जो सारी व्यवस्था हमने अरेंज की है, ये हमने स्कूल के यहाँ पर ही करी है, कोई कोई अलग से किसी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया है, और जो झूले भी हमने बुलाए हैं अपने भी यहाँ पर बुलाए हैं, अभी जितना भी अरेंजमेंट है। अब जो बच्चे जो साल का आनंद ले रहे हैं और जो एंटरटेनमेंट के लिए झूले यूज़ कर रहे हैं, वो मिनिमम हमने एक नॉमिनल रेट रखे हैं, उससे कि बच्चे अच्छे से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। एक्चुअल क्या हमारा जो मोटिवेशन है वो ये है कि बच्चे आए और एंटरटेनमेंट हो उनका, क्योंकि जस्ट आपने देखा होगा कि बाल मेला लगता है, बच्चे आते हैं कि स्टॉल लग जाते हैं, छोटे मोटे बच्चे हल्का फुल्का स्टॉल लगा लेते हैं और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं। अपन ने इसको बाल मेला को थोड़ा सा लार्ज ओपन ने कर दिया है, इसको ग्रैंड कर दिया ताकि बच्चे इसको अच्छे से इंजॉय कर पाए, और एक इसको मेला बना दिया है हमने, ट्राई करा है बेस्ट देने का, बेटर करने का। अगर अच्छा रहा तो हम इससे भी बेटर करेंगे आगे जा करके, और हमारा इंटेंशन सब ये है कि बच्चे से अच्छे से एंटरटेनमेंट कर दें, बच्चा अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, थोड़ा सा उनको इसका नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाए और बच्चे बहुत कुछ सीखे। घटना का सामना ना करना पड़े, तो जो स्कूल से टीचर वगैरह आए हुए हैं
वो यहाँ तक मंच पर आए और अपने स्थान ग्रहण करें। संस्कार विद्या निकेतन से जो मेन वगैरह आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं, उनका इस विद्यालय परिवार में आप स्वागत है। उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मंच पर आए। साई एजुकेशन एकेडमी का बाल मेला इतना रोचक था कि जब आसपास के लोगों को मालूम पड़ा तो सभी लोग बाल मेला को देखने के लिए विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए और सभी लोगों ने बाल मेले का लुफ्त उठाया। सभी लोगों ने मिठाइयों का आनंद तो ले ही लिया पर साथ में झूलों को देखकर आश्चर्यचकित हुए।